चित्र है ऐसी व्यवस्था शासन की जहाँ पर भय नहीं हो और जहाँ पर गैर बराबरी ना हो, जहाँ पर कोई दबाव नहीं हो। इस समय मैं देख रही हूँ कि प्रेस पर बहुत दबाव है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और जहाँ पर भाईचारा हो, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा नहीं जाए, तो ये लोकतंत्र है। और इस समय लोकतंत्र के इन शाश्वत मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है, चिंता का विषय है। और तभी हमें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल दिखलाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से हुई है और जिस जल्दीबाजी में हुई है, उसे तो ये स्पष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि सरकार डरी हुई है, भयभीत है। देश की संपदा देश की जनता के लिए है, और अगर वो संपदा हमारी भूमि, हमारा खनिज, बैंकों में लोगों के जो पैसे हैं साधारण जनता के, वो किसी एक व्यक्ति, एक उद्योगपति के पास चले जाए, तो सवाल उठता है। और ये ठीक रहेगा, उचित रहेगा कि सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन भाजपा सरकार जवाब देने से कतरा रही है। और JPC की मांग हो रही है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त समिति बने, उससे भी कतरा रही है। इसलिए हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, ये वो सोच भी कैसे सकते हैं कि हम OBC का अपमान करेंगे। हमारे कांग्रेस की जो बात विचारधारा है, जिसके प्रति राहुल गांधी जी समर्पित हैं, वो विचारधारा ये है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उन सबको हम आगे लाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके अधिकार उन्हें देंगे। और ये सब तो हम स्वतंत्रता के समय से कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से कर रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता है। हम तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत है इनका सोचना, और इस तरह का प्रचार करना भी बहुत दिग्भ्रमित करता है जनता। अवश्य एक बहुत बड़ा शून्य बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय हैं, जो देश हित के विषय हैं, जनता से संबंधित है, वो रखते थे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। देश का भला कैसे हो, तरक्की कैसे हो, जो सबसे आखिर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको हम कैसे आगे लाएं, ये सवाल उठते थे, उठाते थे। तो अब जब वो नहीं उठाएंगे, तो ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? वो एक सशक्त आवाज़ थे, अभी भी हैं, नहीं वो निष्कासित कर दिए जाए चाहे जो, अभी भी वो सशक्त आवाज़ है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी कुर्बानी देनी होगी, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम तो स्वतंत्रता आंदोलन वाले लोग हैं, उस समय भी हमने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमने उनसे सीखा है, तो हम कुर्बानी देने के